हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे मोटो के एक न्यू स्मार्टफोन में और एम आर रेडमी नोट 10 प्रो में और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। तो मोटो की है डिस्प्ले 6.7 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले और एम आई की डिस्प्ले 6.67 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले और आपको मोटो में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिलता है। एम आई में है 120 हर्ट्ज का और डिस्प्ले क्वालिटी में मोटो बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की। तो मोटो का है स्नैपड्रैगन का 778G 5G का, CPU 3.2 GHz, ऑक्टा कोर का 6 नैनोमीटर्स का फिनफैट और MI का जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 732G का, CPU 2.2 GHz, ऑक्टा कोर का 8 नैनोमीटर्स का फिनफैट, GPU 618 का और प्रोसेसर क्वालिटी में मोटो बेस्ट हैं। बात करते हैं बैक कैमरे की। तो मोटो का है ट्रिपल, जो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, फिर 16 का, फिर 8 का और MI का है क्वाड में, जो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, फिर 8 का, फिर 5 का, फिर 2 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो मोटो का है 32 का और MI का है 16 का और कैमरा की क्वालिटी में मोटो बेस्ट है। बात करते हैं बैटरी की। मोटो में है 4000 mAh की, MI में है 5020 mAh की और दोनों फ़ोन की बैटरी एप्स नॉनेबल हैं, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और मोटो में चार्जर है 30 वाट का, MI में है 33 वाट का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। दोनों फ़ोन में आपको ट्रिपल सिम मिलती है, दोनों की है वारंटी 1 साल की और कनेक्टिविटी है मोटो में 5G की, MI में है 4G की। और बात करते हैं रैम की। तो मोटो में है 8 GB की और MI में है 6 GB और 8 GB की और मोटो की मेमोरी 128 GB की और MI में है 64 GB 128 GB की और दोनों ही फ़ोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की। तो मोटो का है स्टार्टिंग 29,999 रुपये, MI का है स्टार्टिंग 15,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।